आज हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि जो संख्याएं एक से लेकर के 70 तक या एक से लेकर 80 तक, एक से लेकर 90 तक, एक से लेकर 75 तक जो संख्याएं थी उनका हमने योग कैसे ज्ञात करती थी। लेकिन अब संख्याएं हैं 21 से लेकर के या 20 से जो संख्या उठाई जाती है उसका कैसे करते हैं, या 30 से उठा लें या 21 से उठा लें या 25 से उठा लें, तो उन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हम करते हैं जो प्रेजेंट संख्याएं हैं उनमें से अब्सेंट संख्याओं को घटा देते हैं। जैसे हमारी प्रेजेंट संख्या इसमें 75 है, तो 75 में से और अब्सेंट संख्या जो है उसमें 20 है, तो 75 में से हम 20 घटा देंगे, जो अनुपस्थित है उसको घटाएंगे। तो 5 में 0 गया 5 बचा और 7 में 2 गया 5 बचा, इसको रख लिया पहले। अब फिर वही नियम चालू करते हैं हम 21 प्लस 75, जैसे 1 प्लस 60 किया था उसने उस वीडियो में, और इसमें हम करते हैं 21 प्लस 75 या कोई भी संख्या हो तो वैसे हम लिखते हैं 21 प्लस 75। 21 प्लस 75 इसको हम करते हैं, उसके बाद हम नीचे बटे 2 कर देते हैं, बटे 2 फिर गुणे में 55 जो हमने निकाला था अभी ये वाला, वो 55 कर देते हैं। इनको जोड़ा मैंने तो यह 5 1 6 और 7 2 9, 96/2 × 55। इनको मैंने काटा तो 4 आया, 4 1 16 हो गया, 2 8 48 आ गया, 48 48 आ गया, 48 × 55। 48 को अगर हम लिख लेते हैं 50 - 2, तो कोई हर्ज, क्योंकि 50 - 2 48 एक ही बात होती है। 55 का बड़ा कर लो इसमें, 55 को बड़ा किया मैंने तो हुआ क्या, 55 किसमें बड़ा करेंगे हम, तो 55 25 की 5, हासिल लगी 2 और 55 25 2 27, और बिंदी है ये, मैंने इस पर बिंदी रख दी है, और 55 दूनी होता है 110। इसको मैंने घटाया बिंदी में से, बिंदी गई बिंदी बची, 5 में से 1 गया 4 बचा और 7 में से 1 गया 6 बचा और 2 बचा, तो ये आंसर हो गया इसका। इस विधि से करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 अर्थात सम संख्या, अब बात आती है सम संख्या और विषम संख्याओं की, तो उसको हम साफ करते हैं पहले, फिर हम देखते हैं उसको। ये क्वेश्चन हो गया पहला, उसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड डालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में है 2 4 6 8 ... 60, 60 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। उसके बाद ये देखिए इसमें अंतर है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, फिर यहाँ 5 नहीं है, विषम संख्या नहीं, सम संख्याएं हैं। प्लस 1 का अंतर ऐसे होता गया, तो ये सीधी सी बात है, जब ये अंतर है इसमें तो हो जाएगा इसका 60 का आधा कर देंगे, क्योंकि इसमें संख्या है नहीं, सम 60 तक आधी सम हो गया, विषम हो गए, तो हो गया 30 हो जाएगा इसका। और इसमें हम करते हैं वही नियम करते हैं, 2 / 60/2 × 30, क्योंकि 60 तक हम निकालेंगे कि 2 के बाद 1 3 नहीं है, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद 2 सॉरी 6 के बाद 7 नहीं है और 8 के बाद 9 नहीं है, ऐसे करके संख्या 30 निकल जाएंगी और 30 बचेंगे, तो जो 30 बची हुई संख्या उसका हम गुणा कर देते हैं इसमें, उसके बाद इसको जोड़ते हैं, हो गया यहाँ पर 62 इसको काटा 3 6 2 1 2 31 × 30। अब फिर वही नियम करते हैं गुणा, हम बिंदी को छोड़ देते हैं, 3 1 3 और 3 * 9 हो गया, और बिंदी को उठा के यहाँ रख दिया, ये मेरा आंसर हो गया। इस वजह से होते हैं, और आगे के सवाल में हम फिर बताएंगे, ये समझ में आ गया होगा शायद, बड़ा आसान से तरीका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस की हो, वैकेंसी या रेलवे की हो,
हर परीक्षा में ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीसीएस से लेकर के आप फोर्थ क्लास तक जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट करते जाएं साथ ही साथ, तो बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।